जिस वकालतनामे पे कोई साइन नहीं करता उधर आपको ईमान मजारी का साइन मिलता है, जिन लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता उधर ईमान मजारी आवाज उठाती है, जिन लोगों को कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं है उसको ईमान ना सिर्फ पहचानती है बल्कि कोर्ट के अंदर भी उनके लिए पेश होती है। जिस तरीके से ईमान को अरेस्ट किया गया है 3:30 बजे नाइट सूट के अंदर, जिस तरीके के ईमान को पेश किया गया है कोर्ट के अंदर नाइट सूट के अंदर, ये तजलील नहीं है क्या? रियासत हमें पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो हम तुम्हारी तजलील करेंगे? क्या रियासत ये समझती है कि हम इतने कमजोर हैं या हम इतने बुजदिल हैं कि हमें अपनी तजलील जो है उसकी बेसिस के ऊपर हम सारी और चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। रियासत से मैं एक ही दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज दर्द को समझने की कोशिश करें। आप पीटीएम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते और वो उनका हक है, लेकिन वो यहां मौजूद क्यों है? वो इसलिए मौजूद है क्योंकि वो अपने बच्चों को टुकड़ों में उठा उठा के थक गए हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। यूएन की रिपोर्ट है कि 35% लाइन माइंस अभी तक एक्स फाटा के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर बच्चे जब खेलते हैं तो वो बम से जब हाक हो जाते हैं, सारी जिंदगी उनकी इफेक्ट हो जाती है। तो ईमान मजारी उनकी दर्द को समझती है और उसकी दर्द को उसने इजहार किया। ये बात हकीकत है कि बहुत सारे लोग टीटीपी के दहशतगर्द, जिनको हम दहशतगर्द मानते हैं और मानते रहेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर लाके इन्हीं एक्स फाटा के लोगों के ऊपर मुसल्लत किए गए। क्या पॉलिसी मेकर्स जब पॉलिसीज बनाएंगे तो क्या वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे? रियासत तो माँ के जैसी होती है, रियासत तो कहती है मैं माँ के जैसी हूं, तो रियासत के अंदर इतना नफरत, इतनी ईगो, ये सब कुछ कहां से आ चुकी है कि वो तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते? आपको फूल तो पकड़ाने से रहे। मैं खुद एक पंजाबी हूं और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात हर कोई जानता है कि जितनी हमारे पश्तून भाइयों ने कुर्बानियां दी है उनसे ज्यादा मुहब्बुल वतन पाकिस्तान ही कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या हम उनको अपने मुल्क के दारुल खिलाफत के अंदर भी आने के लिए उनके ऊपर पाबंदियां बनाएंगे? ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी है जो शायद नहीं करनी चाहिए अगर किसी को लगता है, तो आप दरगुजर से काम ले। आप उनको टेररिज्म का, आप कहेंगे आप टेररिस्ट हैं, वो एहसानुल्लाह एहसान है जो भाग गया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि देखे हमारी जरूरत है ईमान मजारी, इसलिए क्योंकि रियासत जब कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करूंगी और तुम ये चीज करो, तो अगर रियासत हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमें ईमान मजारी चाहिए जो आवाज उठाएगी कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे। कोई भी एफआईआर ऐसी नहीं है जिसको हम दिफा ना कर सके, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ईमान मजारी ने कहा है जिसका हम दिफा ना कर सके। इंशाल्लाह मैं कोर्ट की बात कोर्ट तक रखता हूं, लेकिन ईमान हिम्मत के अंदर है और हम सारे भी हिम्मत में हैं उसकी वजह से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, शहर इक्तदार से शाहिद हक नवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। ईमान मजारी और अली वजीर की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और जो मुजाहरीन हैं उन्होंने हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं जिन पर अली वजीर और ईमान मजारी की तस्वीरें आवेजा हैं। या आप इस वक्त लाइव मनाजर देख रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और जो पीछे आपको लोग नजर आ रहे हैं वो मसीह बरादरी है। आपको याद होगा कि मसीह बरादरी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया और उनके चर्च को जलाया गया, उसके बाद मसीह बरादरी भी इस वक्त पीछे बड़ी तादाद में मौजूद है। आपको वो मनाजर भी दिखाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, ये सामने आपको एक बैनर नजर आ रहा होगा। और इस वक्त खवातीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं जो कि अली वजीर की गिरफ्तारी को लेकर और ईमान मजारी साहिबा की गिरफ्तारी को लेकर अपना प्रोटेस्ट इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर रिकॉर्ड करवा रही हैं, या इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनाजर दिखा रही हैं। आपको याद होगा कि अली वजीर और ईमान मजारी ने एक स्पीच की थी मंजूर पश्तीन के जलसे में, और उसके बाद अगले ही रोज़ उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, जिसमें तोड़ फोड़ और GT रोड बंद करने और भी बहुत सारी दफात लगाई गई थी। काफी सारे मैंने उनकी बातें सुनी है, कुछ लोग ईमान के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बहादुर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ईमान को जो वो कर रही है उसको करने की जरूरत क्या है?
कुछ लोग ईमान को एलीट कह रहे हैं, अगर ईमान एलीट है तो अल्लाह ताला इस तरह की एलीट को इस मुल्क के ऊपर जो है वो और इस तरह की एलीट की जरूरत है।